वीकेंड पर स्टार्स की मस्ती और धमाल को बॉलीवुड रिपोर्टर ने किया अपने कैमरे में कैप्चर। किसी ने लिया डिनर का मजा तो किसी ने की बर्थडे पार्टी एंजॉय। बॉलीवुड सेलेब्स हर पल रहते हैं पार्टी के मूड में, और अगर वीकेंड हो तो फिर हमारे स्टार्स भला कैसे रुक सकते हैं। ऐसे में हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धड़क का पोस्ट प्रमोशन करते नजर आए जाह्नवी शान और फिल्म के डायरेक्टर शशांक खेतान। तीनों पहुंचे मुंबई के एक थिएटर, जहां ऑडियंस के साथ तीनों ने मिलकर देखी फिल्म और जाना ऑडियंस का रिएक्शन। ऑडियंस के लाइव रिएक्शन को देखकर ईशान, जाह्नवी और शशांक काफी खुश नजर आए। थिएटर में फैंस जाह्नवी और ईशान को देखकर हो गए बेहद एक्साइटेड। ऐसे में जाह्नवी और ईशान की खुशी का अंदाजा नहीं था। मीडिया से बात करते हुए तीनों ने यहां अपनी खुशी जाहिर की और कहा थैंक्स। I think we all would like to first thank Karan for believing in all of us and feeling that हम लोग ये फिल्म जाके बना सकते हैं, and all the audiences who are accepting our film, and we are hoping to continue accepting our film. हमारी जो मेहनत है hopefully रंग लाएगी, but right now I think we can all feel gratitude. हमें बड़ी खुशी हो रही है, और जब हम यहाँ पर आते हैं और दर्शकों को देखते हैं और ज़्यादा, और जब ये छोटे छोटे बच्चे जाह्नवी का नाम चलाते हैं, ईशान का नाम चलाते हैं, जिनके बाद एक्टर पूजा शेट्टी की बर्थडे पार्टी पर सेलेब्स हुए स्पॉट, जहां सबसे पहले डायरेक्टर शशांक खेतान अपनी वाइफ के साथ पहुंचे। शशांक के बाद ब्यूटीफुल जैकलीन फर्नांडिस को हमने किया स्पॉट। वहीं मोहित मारवा, करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वेरी गॉर्जियस मिस कैफ भी हमारे कैमरे में हुई कैप्चर। जाते जाते बर्थडे गर्ल को भी हमने स्पॉट किया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में लव बर्ड्स टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी साथ में आए नजर। टाइगर और दिशा दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे थे, जहां से बाहर निकलते हुए हमने दोनों को किया अपने कैमरे में कैद। आप भी देखिए कार में बैठी दिशा कैसे ब्लश करती हुई नजर आ रही हैं। वैसे वीकेंड पर इमरान हाशमी भी हमारे कैमरे में कैप्चर हुए। एक फेमस रेस्टोरेंट से निकलते हुए हमने इमरान हाशमी को किया स्पॉट। ब्लैक आउटफिट में वो लग रहे थे एकदम कूल। तो वहीं कार्तिक आर्यन भी बॉलीवुड रिपोर्टर के कैमरे से बच नहीं पाए। जी हां, कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए नजर, दोनों रेस्टोरेंट से डिनर करके बाहर निकलते स्पॉट हुए। वैसे बॉलीवुड रिपोर्टर सिर्फ मुंबई ही नहीं, दिल्ली में भी रखता है आपके फेवरेट स्टार्स के हर मूव पर नजर। ऐसे में एक फेमस ज्वेलरी ब्रांड के लॉन्च इवेंट पर दिल्ली पहुंची कैटरीना कैफ। लाइट ब्लू कलर की साड़ी में मिस कैफ लग रही थी बेहद गॉर्जियस। कैट ने यहाँ रिबन कट करके पहले स्टोर को किया लॉन्च और फिर फैंस के साथ क्लिक करवाई पिक्चर्स। वैसे मैं आपको बता दें कि कैट जिस ज्वेलरी के शोरूम को लॉन्च करने के लिए दिल्ली गई थी, उसकी कैट ब्रांड एम्बेसडर भी है। मुंबई से दीपक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24।